So Abir is going to Mojo Active. Abir, Suri? हाँ ready? Yeah. तो हम जा रहे हैं मोजो एक्टिव अबीर के साथ. तो प्रीति ने सब कुछ पैक कर दिया है, सारा उसका लंच पैक हो गया है. यहाँ पे फ्रूटी है, क्रिस्प है, नीचे सैंडविचेस हैं, सब कुछ है यहाँ पे. सो वेल डन टू प्रीति. और उसने चेंज ऑफ क्लोथ्स भी रख दिए हैं इसके अंदर. हम उसको हमेशा एक चेंज ऑफ क्लोथ देते हैं, शूज़ देते हैं, अंदर क्लोथ्स भी हैं और साथ में सन क्रीम भी देते हैं, वो यहाँ पे है. तो सब कुछ रेडी है, अब हम चलते हैं. पानी भी आ गया है यहाँ पे, तो लेट्स गो. बीर चला गया अपने हॉलीडे क्लब. ये जगह बहुत प्यारी है, तो चलते हैं. ये लो. गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं सब लोग. तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है जिम के बाहर से. तो बस घर में अबीर को भेज दिया था सुबह हॉलीडे क्लब, आपने देख लिया होगा. सौरभ उसको छोड़ने गया था यार, इतनी जद्दोजहद हुई है ना सुबह सुबह. एक्चुअली आज मेरी ना आंख देर से खुली थी, मुझे उठना था 7 बजे, मोटी हूँ 7:30 बजे. तो वो आधे घंटे की जो देरी हुई ना उसमें बहुत सारी चीज़ें बदल गई. बट कोई बात नहीं, बच्चा हमारा चला गया मोजो एक्टिव. बहुत अच्छा हॉलीडे क्लब है. अगर आप यूके में रहते हो तो मोजो एक्टिव इंस्टाग्राम पे भी है, उनका इंस्टाग्राम का नाम यही है मोजो एक्टिव. इट्स अ वेरी नाइस हॉलीडे क्लब. अगर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर वन, डू कंसिडर इट. बच्चे भाई बच्चों को सुबह से शाम तक एक्टिविटीज़ कराते हैं और बढ़िया वाली कराते हैं. एनीवे अभी चलते हैं अंदर और करते हैं जिम. पता है ये मशीन मेरी फेवरेट हो चुकी है, सीरियसली गाइस आई लव इट. तो करते हैं 10 मिनट स्टे मास्टर. तो मैं पहले भी अपने ब्लॉग्स में बता चुकी हूँ, इसमें ना डिफरेंट डिफरेंट लेवल होते हैं, ठीक है. तो मैं इसके अंदर ऑन क्यों नहीं हो रही मशीन, हाँ तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट लेवल होते हैं. पहले मैं लेवल 4 करती हूँ 2 मिनट्स के लिए, और फिर मैं लेवल 6 करती हूँ 3 मिनट्स के लिए, फिर लेवल 8 4 मिनट्स के लिए, और फिर लेवल 9 1 मिनट के लिए. तो कुल मिला के कुछ 10 मिनट्स का वर्कआउट है ये. तो अगर आप लोग भी जिम जाओ तो स्टे मास्टर ज़रूर करना 10 मिनट के लिए. लेकिन उससे पहले आप लोगों को सबको इंक्लूडिंग मी, हम सबको 15 मिनट्स का वर्कआउट करना है. उससे पहले वार्म अप भी करना है, ठीक है, 3 से 4 मिनट का, और फिर वर्कआउट करना है 15 मिनट्स का, और उसके बाद मैं ये स्टे मास्टर करती हूँ 10 मिनट्स के लिए. थैंक्स टू माई फ्रेंड सहाना. आजकल मैं सहाना को मिस कर रही हूँ. हम लोगों के जिम के टाइमिंग्स साथ में नहीं हो पा रहे हैं, बट कोई बात नहीं. सो सहाना इज़ द वन जिसने मुझे बड़ी सारी चीज़ें सिखाई हैं, और आई एम वेरी थैंकफुल टू हर. तो मैंने सिर्फ 15 मिनट्स के लिए ट्रेडमिल करी है, और 15 मिनट्स में 227 कैलोरीज बर्न करी हैं, और 6.1 की एवरेज स्पीड थी, ये किलोमीटर्स में है, ठीक है जी. और 15 पे मैंने इंक्लाइन रखा था, आप देख सकते हो मेरी ट्रेडमिल कुछ इतनी ऊंची थी. तो बस गाइस मुझे करना तो 30 मिनट्स का था, एकदम से याद आया मैं चार्जर ऊपर भूल आई हूँ स्टूडियो में. तो जिम ख़त्म कर ली है और अब मैं आ गई हूँ ऑल जी. तो हमारे घर के पास ना नया ये सुपरमार्केट खुला है, और इन लोगों का ये क्लेम करना है कि ये सबसे सस्ता सुपरमार्केट है. गाइस मैं ऑल जी में पहले कभी गई नहीं हूँ, लेकिन नहीं, मैं इतनी शॉपिंग कभी करी नहीं है. मैंने गई तो हूँ मैं एक दो बार, लेकिन कभी इतनी शॉपिंग करी नहीं है. तो प्लीज़ मेरे से शेयर करना यहाँ की सबसे बेस्ट चीज़ क्या है. तो काफ़ी अच्छा खुला है यार, लेते हैं आज कुछ. मैं आप लोगों को पूरी सुपरमार्केट तो नहीं दिखा पाई, बट गाइस सीरियसली भाई सस्ता है ऑलरेडी, सस्ता है भाई. मेरे साथ शेयर करना अगर किसी को पता हो यहाँ की ये वाली चीज़ भी थी, बहुत अच्छी होती है, यहीं से लेना और पैसे बचाना प्लीज़. ऐसी चीज़ें मेरे से शेयर करना यार. 17 पाउंड का बिल आया है भाई.
तो दोस्तों ये ग्रॉसरी शॉपिंग मैंने करी है 17 pound में, दिखने में कम लग रही होगी क्योंकि आप लोगों को 17 pound ऑब्वियसली यार जब इंडिया में कन्वर्ट करो तो 1700 rupees हैं, लेकिन मुझे पता है यूके में 17 pound में आप मिक्स नट्स का पैकेट भी ले आओ, एक हमस, प्लम्स, टोमेटोज, अनार के दो पैकेट, यू नो क्यूकम्बर्स, ब्लूबेरीज, रास्पबेरी योगर्ट, ये मेरे बेटे के लिए तो मैं इसको चाहती हूँ ट्राई करें, नींबू और इतना बड़ा सैलेड का बॉक्स, स्ट्रॉबेरीज, पेस्टो सॉस, स्प्रिंग अनियंस, और ये मैं अभी के लिए लाई हूँ। वैसे तो यार क्या ही बोलूँ, पर बच्चा मुझे बोल के गया है कि तू मुझे ये सब खिलाती नहीं है, तो मैंने कहा गर्मियाँ हैं कोई नहीं, इसको अभी मैं वो कर दूँगी फ्रीज तो शाम को खाएगा। तो भाई 17 pound में वाकई में अच्छी शॉपिंग है, मैं तो कह रही हूँ। अगर इससे भी सस्ती कहीं और मिलती है तो प्लीज़ बता देना मुझे। तो बस जिम के बाद मैं खाने लगी हूँ सैलेड, तो अपने और सौरभ दोनों के लिए बना रही हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट मील ऑफ द डे है, मेरा फर्स्ट मील ऑफ द डे है, ही हैड फ्रूट्स इन द मॉर्निंग। तो मैं अभी अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग भी ब्रेक करूंगी, टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं अभी, और यहाँ पर मैंने लेनी है स्प्रिंग अनियंस, टोमेटोज, ये प्लम टोमेटोज हैं, एवोकाडो, चिक पीस, तो घर में बॉयल करे हुए चिक पीस हैं ये, और मिक्स नट्स, और ये मैं आज लेके आई हूँ ऑल्डी से। और यार आई एम सो अमेज टू सी ऑल्डी प्राइजेस, खैर इसके बारे में ब्लॉग के अंदर बात करेंगे, तो ब्लॉग्स देखते रहो मेरे। एनीवे, यू नो हम लोग ये वाली सैलेड बहुत खाते हैं, एक तो ये बहुत जल्दी बनता है, दूसरा कुछ कुक करने की ज़रूरत नहीं है, और आज तो मैंने चॉपिंग भी बहुत कम करी है क्योंकि मैं ये सैलेड बॉक्स ले आई हूँ, तो इसके अंदर क्यूकम्बर, स्वीट कॉर्न्स, लेटस, कैरेट, आप देख ही सकते हो, बेल पेपर, सब कुछ है इसके अंदर। तो बस अब इन सब चीज़ों को एक दूसरे के साथ करेंगे मिक्स, ऑर्गेनो डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे और एक नींबू स्क्वीज करेंगे और हमारी सैलेड रेडी हो जाएगी। आप चाहो तो आप कोरिएंडर भी डाल सकते हो, यू नो मिंट भी डाल सकते हो, पनीर भी डाल सकते हो, जो चाहो वो डाल सकते हो। ये जो मिक्स नट्स हैं मैंने इनको अच्छी तरह क्रश कर लिया है, ठीक है, तो थोड़ा और अच्छा फ्लेवर आएगा थोड़ी। चलो जी, सब कुछ मैंने बोल के अंदर डाल लिया है, अब मैं थोड़ा सा डालूंगी ऊपर से ऑर्गेनो। आप चाहो तो आप कोई भी हर्ब यूज कर सकते हो, हमें ऑर्गेनो बहुत पसंद है तो इसलिए हम ऑर्गेनो डाल रहे हैं। शायद सुनने में थोड़ा सा वियर्ड हो बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ऑर्गेनो को आप सैलेड्स के अंदर डालकर खाओ, बहुत एक अलग ही टेस्ट आता है, ठीक है। अब डालेंगे थोड़ा सा नमक, तो बस मैंने एक नींबू भी स्क्वीज कर दिया है। तो बस हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे और बस आपका सैलेड रेडी है। आप चाहो तो आप ये सैलेड यू नो स्टार्टर में भी बना सकते हो अगर आपके घर पे कोई आ रहा है तो मैं तो ज़रूर बनाऊंगी, अभी बस कुछ ही दिनों में कोई आने वाला है। तो दोस्तों सैलेड हो चुका है रेडी, आप चाहो तो आप इसके साथ यू नो रोस्टेड गार्लिक ब्रेड्स आती है ना वो भी रख सकते हो, या जो चाहो वो कर सकते हो, हमस भी रख सकते हो साइड में, लेकिन अभी मैंने जैसा कहा मैं तो बहुत जल्दी में हूँ, मैं बस फटाफट से सैलेड खाऊंगी एंड दिस इज़ गोइंग टू बी माई लंच, लंच इन द सेंस कि मेरा फर्स्ट मील होगा। जो सेकंड मील होगा उसमें भाई अपने कल के राजमा चावल, भैया बहुत कुछ पड़ा हुआ है कल का खाना, वो भी तो खाना है, तो वो मेरा मेन मील होगा। एनीवे अभी ये सैलेड खाते हैं और अभी व्लॉग भी एडिट करना है। अबीर के लिए काटे क्यूकम्बर्स और देखना मैंने एक टेक्निक लगाने की कोशिश करी है, वाओ क्यूकम्बर्स खड़े रहे, आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या करना चाहती थी। तो मुझे ना हमस के लिए जगह बनानी थी और मैं चाहती थी कि हमस ऐसे साइड में चला जाए, अगर मैं क्यूकम्बर्स को ऐसे रखती हूँ गिरते रहते, तो पता नहीं ये टेक्निक कितनी सक्सेसफुल है। हम मम्मी ऐसा कुछ ना कुछ करती रहती हैं, क्या आपको ये बताना चाहती थी कि हम मम्मी ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ करती रहती हैं। आप पहले उसको हमस और क्यूकम्बर खिलाना, ठीक है, गर्मी बहुत है, पहले कुछ ठंडी चीज़ खाए। पता मुझे अपनी मम्मी की याद आ गई, मेरी मम्मी भी मुझे राजमा चावल पता ऐसे ही गर्म करके, भाई राजमा नीचे चले गए हैं, खैर मेरी मम्मी भी मुझे ऐसे ही राजमा चावल गर्म करके कैसरोल में डाल के देती थी जब मैं स्कूल जाती थी। और गाइज मेरी मम्मी की उम्र इतनी लंबी है, मैं ये वीडियो बना रही हूँ मेरी मम्मी का फ़ोन आ रहा है, वाओ। चलो पहले मम्मी से बात करते हैं, अबीर के लिए राजमा चावल रेडी हो गए हैं तो सौरभ लेकर जाएगा, बच्चे को खिला देगा। जी दोस्तों बस लॉन्ड्री कर रही हूँ, शावर ले लिया था, सौरभ कभी भी आता होगा अबीर को हॉलीडे क्लब से लेकर, तो ये देखो रोज इतनी लॉन्ड्री हो जाती है आराम से, क्योंकि जिम जाते हैं अबीर, हॉलीडे क्लब जाता है, स्कूल भी जा रहा हो तब भी,
तो हम अपने कपड़े मोस्टली हम कपड़े रिपीट नहीं करते टू बी ऑनेस्ट. हम जो आज पहना है तो वो अगले दिन धुलेगा ही धुलेगा, तो बस रोज ही हो जाती है लॉन्ड्री हमारी तो. और अभी हमें 4 दिन के लिए दोबारा बाहर जाना है, तो मैंने सोचा साथ के साथ ही लॉन्ड्री कर लूँ तो अच्छा रहेगा. और बस ये कर रही हूँ, अभी के आते ही उसको शावर देकर खाना बनाना शुरू करूंगी आज. तो I bought 2 fizzy belts. Really? And 1 gummy snake. And 1 Fanta. And क्या क्या कर लिया तुमने आज? So, अबीर आ चुका है आज. अबीर को मैं इतने दिनों बाद लेने आया हूँ, है ना अबीर? Look at him. इतना टायर्ड है ये लड़का. बताओ क्या करा दे? So, I'll tell you what I got. I got 2 fizzy belts. Yeah. Which is like this size. And 1 gummy snake, which is about this size. Yeah. And 1 Fanta. Yeah. Like a normal size, like this Coke. Yeah. And Garmi bahut thi na, 31 degrees aaj. Yeah, I need a Fanta. And 1 what's it called? Lolly. No, 1 summer fruit ice lolly. Yeah. And 1 lemonade ice lolly. Okay. Alright, let's. I'll give you food. Mummy ने आपके राजमा चावल भेजे. And the summer fruit was a bit bigger than this. Okay. Shall we go now? Yeah. पहले मैं आपको साफ कर दूँ, उसके बाद फिर मैं आपको खाना देता हूँ, ठीक है? Yeah, I'm so. अभी अच्छे हैं ना? मम्मी ने अच्छे बना के दिया ना? Yeah. क्या हो गया बेटा? I got stung by a stinging nettle today. Oh, I'll fix it. And I reenacted because Daddy put wipes on. Oh. और मम्मी ने आपके लिए ये भी दिया है. राजमा चावल. तो आ चुके हैं भाई स्कूल से, हॉलीडे क्लब से. और सच में यार ये दिन सबसे बेस्ट दिन होते हैं बेटा. ध्यान से तू. हाय, उसने तेरी वो लाइट तोड़ दी अबीर ने. मैं पानी बंद कर दूं अभी? हाँ पानी बंद कर दे मेरे को अभी. इधर इधर मार दूं यहाँ पे? हाँ एक कपड़ा मार यहाँ पे ना कुर्सियों पे. हाँ. नेकी और पूछ पूछ ऐसी बातें पूछनी नहीं होती, कर देनी होती है. कैसे हो बेबी आज? काम हाय. चलो जी रोटियां शोटियां बन गई हैं. चलो बेबी अभी सॉरी ओ सॉरी चलो बीसरी मैं आपको सर्व करती हूँ. और आज ना ढंग से बैठ के खाना खाना है. कल भी बहुत बातें कर रहे थे तुम.